गिब्स यू है, या इंडक्टेबल एसी बोल सकते हैं इसको, इंडक्टेबल एसी है ठीक है। इसका जैसे कितना आवाज़ कर रहा है, इंडोर है, इंडोर में बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, शोर कर रहा है, आप देख सकते रहेंगे। इसको हम खोल करके चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता रहे, वायरिंग का प्रॉब्लम है, हाउसिंग प्रॉब्लम है, या ब्लोअर कहीं टच हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता रहे, इसको हम खोल करके आइडेंटी करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। देख सकते हैं कितना आवाज़ कर रहा है, अभी हम आप लोग को बंद करके दिखाते हैं, कन्फर्म आवाज़ कितना हो रहा है। हमें से आप देख सकते हैं हमने इसको रिमोट से बंद किया है, आवाज़ में कम हो गया है, बंद हो गया, साइलेंट हो गया है, कितना आवाज़ कर रहा था। तो इसको हम खोलने के लिए इसको यहाँ पर देख सकते रहेंगे, सभी स्क्रू दिया हुआ है, इसके अंदर स्क्रू है ओके। ये स्क्रू हम खोलेंगे, खोल करके एक बार हम नीचे उतारेंगे, जो है ड्रेन का ट्रे है इसको हम नीचे करेंगे, फिर हमारा हाउसिंग ब्लोअर वगैरह सब दिखेगा। तो आप ये देख सकते हैं पूरा इसका इंडोर का जो कवर था, नीचे का ट्रे वगैरह था, इसको खोल लिया है हमने। खोल करके इसमें आइडेंटिटी करेंगे, पूरा ब्लोअर व्हील को, पूरा मोटर को, सब कुछ हम बाहर निकालने वाले हैं। ये सब बाहर निकाल कर इसमें आइडेंटिटी करेंगे, क्यों आवाज़ कर रहा था, क्या प्रॉब्लम था, और इसके साथ में ब्लोअर मोटर जो रहता है इसका वायरिंग चेंज करने सीखेंगे, और उसके पार्ट चेक करेंगे क्या क्या ख़राब हो सकता है, क्यों आवाज़ करता है। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखे आपको जरूर जानने सीखने को मिले। जिससे और भी इस तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके, आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। तो आप ये देख सकते रहेंगे ये हमने बाहर निकाल लिया है ब्लोअर को और इसको चालू किया है, आवाज़ भी देख सकते रहें कितना आवाज़ इसके में आ रहा है, शोर कर रहा है, इस तरह से इतना आवाज़ नहीं आना चाहिए। हम लास्ट में दिखाएंगे आपको भी आवाज़ कितना है और लास्ट में कितना आवाज़ आता है, किस तरह से आता है रिपेयर करने के बाद, ठीक करने के बाद, वो पूरा हम डिटेल्स में आप लोग को दिखाएँ, एक एक पार्ट्स और बताएंगे आपको, अच्छा समझाएंगे। तो इसको खोलने के लिए हम यहाँ पर देख सकते रहें टेबल पर रख लिया है, इसके अंदर जो ब्लोअर व्हील है इसके अंदर एलंकी रहता है, एलंकी रहता है, तो इसको एलंकी की मदद से इसको हम खोल करके निकाल लेना है, देख सकते रहेंगे कुछ इस तरह से है। बाकी इसको डिसमेंट करने के लिए हमारा दूसरा स्पेशल वीडियो रहेगा, लेकिन हम आपको थोड़ा बेसिकली चीज़ें दिखाते चल रहे हैं किस तरह से खोला जाता है, निकाला जाता है। देख सकते हैं इसका ब्लोअर को है, हमने एलंकी जो है स्क्रू खोल लिया है, निकाल लिया है और खींच करके इसको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा नया रहेगा, पुराना रहेगा तो टाइट रहता है, और ऐसा हम घुमा रहे हैं तब देख सकते रहेंगे हमारा आवाज़ भी सुन सकते रहेंगे, शायद आपको आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन ये जाम है, हमें आवाज़ फील हो रहा था आपको, शायद कैमरा दूर था इसलिए नहीं दिखाई दिया, सुनाई दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ से ये जो क्लैंप दे सकते हैं, ये जो आता है मेन क्लैंप रहता है, बेस का जो रहता है ये मेन क्लैंप है, इसको हमें निकाल लेना है। यहाँ पर दे सकते रहें दोनों साइड में क्लैंप लगा रहता है, तो क्लैंप को खींच करके हमें खोल करके निकाल लेना है, और इसे उठा करके इसके अंदर जो रबर रहता है, रबर ये बेस है, बेस को भी हम हटा देते हैं, और इसके अंदर जो रबर है दे सकते हैं, रबर बेस है, इसके ऊपर जो हमारा स्टैंड रहता है, ब्लोअर मोटर जो रहता है खड़ा रहता है, लगा रहता है, शिफ्ट रहता है। उसके बाद हम इसको जो है चालू करके हम चेक करते हैं, ये हमारा आवाज़ आप खुल कर से सुनाते हैं, तब इस तरह हम इसको चालू किया है, आवाज़ सुन सकते रहें कितना आवाज़ चल रहा है इसको डायरेक्ट इस तरह से चालू करने के बाद में, और लास्ट में हम जो रिपेयर करने के बाद भी हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से आवाज़ चेंज होता हो जाता है। उसके बाद ब्लोअर मोटर के देख सकते हैं खोलने के लिए यहाँ से हम इसको ड्राइवर की मदद से इसको खोल करके जो मेन जिसका नट बोल्ट रहता है उसको हम खोल करके निकाल लेना है। अलग अलग टाइप के, अलग अलग मॉडल के, अलग अलग कंपनी के, अलग टाइप के हो सकते रहेंगे, आप थोड़ा केयर करिएगा। इसके कभी ध्यान रखिए मोटर वगैरह सील्ड आइटम खोलते समय हमें मार्किंग कर लेना है, जैसा कि हम देख सकते रहेंगे व्हाइट मार्कर से हमने मार्किंग कर लिया है, एक नंबर दो नंबर है, जिससे हमें बाद में लगाने के लिए आसानी रहेगा कवर वगैरह। उसके बाद यहाँ से इस तरह से थोड़ा हम धक्का देंगे, नीचे से जमीन में धक्का देंगे, ये हमारा आराम से साफ्ट जो है बाहर निकल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे हाउसिंग वगैरह जो है साफ्ट हमारा स्टेटर से बाहर निकल गया है। उसके बाद देख सकते हैं हम वो घुमा रहे हैं, ये हमारा जाम है, यहाँ से आवाज़ कर रहा है, फील हो रहा है, ये देख सकते रहेंगे। तो इसको हम जो है वायरिंग चेंज करेंगे, बाकी हमारा देख सकते हैं कचरा वगैरह देख लेंगे स्टेटर में, वायरिंग वगैरह सही है कि नहीं, उसको हम चेक करके रेडी करके फिर बाद में इसको बैरिंग हम चेंज करेंगे। बैरिंग चेंज करने के लिए इसका शाफ्ट जो है बड़ा साइज है, जिसकी वजह से हमारे पास पुलर जो है इतना बड़ा साइज नहीं है, इसलिए हम इस कुछ इस तरह से स्पैनर का छिन्नी हथौड़े की मदद से इस तरह से मार करके निकाल लेते हैं, जुगाड़ से मार के निकाल लेते हैं। अगर आपके पास और भी कुछ इससे अच्छा आइडिया है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिससे और भी लोगों का हेल्प हो सके, आप हमें वीडियो बना करके भेज सकते हैं, जिससे हम यूट्यूब पर डालेंगे और भी लोग सीख सकें, देख सकेंगे। तो हमारे पास बड़ा क्लैंप नहीं था, पुलर नहीं था, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट इस तरह से मार करके निकालें।
हैं। इसमें बैरिंग जो हमारा यूज होता है 6202 मॉडल का बैरिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं बैरिंग हमने खोल करके निकाल लिया है। निकालने के बाद कुछ तरह से हम इसमें डालेंगे, फिक्स कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, जो हम बैरिंग लगाते हैं वो हमारा टाइट जाना चाहिए। इस तरह से हम मारेंगे तो हमारा टाइट जाना चाहिए, हाथ से ऐसा नहीं हमने हाथ से धक्का दिया चला गया और खींचा निकल गया, ऐसा निकलना नहीं चाहिए। इसको अच्छी तरह से जाम में जाना चाहिए, टाइट होना चाहिए। इस तरह से हम छीनिए थोड़ी, हमने पाइप लिया है, पाइप का टुकड़ा लिया है जो बैरिंग के साइज़ का है, जिससे आसानी से हम मार करके इसको अच्छी तरह से फिट कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो इस तरह से हम बैरिंग को डायरेक्ट धक्का मारेंगे, बैरिंग को डायरेक्ट कोई चीज़ का चोट देंगे तो हमारा बैरिंग ख़राब हो सकता रहेगा। ये चीज़ हमारा सेफ तरीका है बैरिंग चेंज करने का। और भी आपके पास कुछ आइडिया रहे तो हमें बता सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं प्लेट जो रहता है, हाउसिंग प्लेट रहता है, इसको हम अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे, फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद इसको घुमा करके नीचे साइड में रख करके हम इसको फिट करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते रहेंगे। ये हमने आइडिया बेसिकली चीज़ बताया है। आप अपने तरीके से और भी तरीके से आइडिया से आपका इससे बेटर आइडिया कुछ है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने कुछ बेसिक से आइडिया बता रहे हैं, इस तरह से हमारा बैरिंग वगैरह चेंज किया जा सकता है अगर ख़राब रहता है तो। उसके बाद यहाँ से हम इसको ठोक करके, चारों साइड से ठोक करके अच्छी तरह से इसमें फिट कर लेना है, जिससे हमारा बैरिंग जो है अच्छी तरह से फिट हो जाए, फिक्स हो जाए। नहीं तो हमारा ये लूज रहता है, टाइट हो जाएगा, शाफ्ट जो है टाइट हो जाता है। तो हम इस तरह से ठोक करके टाइट कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ से सभी जो स्क्रू रहता है, नट बोल्ट रहता है, चारों हम इसमें रहता है, चार है, तो सभी को हम टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। टाइट करने के बाद हम इसको चालू करके चेक करेंगे, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे हम इसको ड्राइवर की मदद से, स्पैनर की मदद से हम इसको टाइट कर देते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, सीखने को मिल रहा है, तो उसका जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ये वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा लास्ट तक देखने के बाद कि आपको समझ में आया है। बैरिंग देख सकते रहेंगे, ये जो बॉल टाइप बैरिंग है, यहाँ से ये बैरिंग जो हमारा जाम है, जिसको देख सकते घुमा रहे हैं, लेकिन ये हमारा फ्री नहीं चल रहा है, ये जाम है ये हमारा, जिसके वजह से मोटर जो हमारा ख़राब हो गया था, जाम हो गया, आवाज़ कर रहा था बहुत, प्रॉब्लम था बैरिंग का ही प्रॉब्लम था। तो बैरिंग हमने चेंज किया है, नया बैरिंग डाला, देख सकते कितना स्मूथली चल रहा है, हम इस तरह घुमा रहे हैं, शाफ्ट जो हमारा फ्री तरीके से घूम रहा है, सही है, इस तरह से फ्री में घूमना चाहिए। नहीं तो हमारा जो है जाम मोटर बैरिंग ख़राब रहेगा तो मोटर जाम हो जाता है, शाफ्ट जाम हो जाता है, जिसके वजह लोड जाता है। अभी हम इसको डायरेक्ट चालू करके चेक कर लेते हैं हमारा सही है कि नहीं चलता है। अभी आवाज़ हम आप लोग को सुनाकर दिखाते हैं डायरेक्ट चालू करके। कनेक्शन हमने कर लिया है, कनेक्शन के बारे में आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा दूसरा वीडियो देख सकते रहेंगे। यहाँ से इस चीज़ को हम देख चालू करते हैं, चालू करने के बाद देख सकते हैं इसमें आवाज़ वगैरह देख सकते रहेंगे, आवाज़ कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है इसमें, पहले कितना आवाज़ आता था आप फील कर सकते रहेंगे, और अभी जो आवाज़ क्या है अभी आपका फील कर सकते रहें, यानी कि अभी इस आवाज़ हमारा नहीं, नया बैरिंग डालने के बाद। वापस हम इसको जो है असेंबली करके भी हम इसको चालू करके दिखाते हैं आप लोगों को आवाज़ कैसा हो रहा है, क्या फील हो रहा है। तो और भी इस तरह से स्पेशल वीडियो किस तरह से असेंबली करते हैं, बॉडी वगैरह कवर वगैरह को असेंबल करते हैं, किस तरह से खोलते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बताइए। अभी हम चालू किए हैं, यहाँ देख सकते हैं हवा भी, हवा देख सकते हैं कितना फास्ट है, और आवाज़ भी देख सकते हैं कुछ नहीं है। वापस हमने जो है इंडोर में फिक्स किया है, ब्लोअर जो रहता है बेस पर हमारा जो ओरिजिनल जगह पर फिक्स किया है, यहाँ पर भी हम चालू करते हैं, यहाँ पर भी हमारा नॉर्मली चल रहा है, इसमें भी कुछ शोर शराबा नहीं है, आवाज़ वगैरह कुछ नहीं है, इस तरह से चलना चाहिए। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, अच्छा लगा है, तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और भी इस तरह से हमारा प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है उसको ऑन कर दें, और ऑल नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन करें। आप अपना हमें कमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस दे दीजिए, जिससे हमें बहुत से कमेंट हमें बहुत से हमें कस्टमर क्लाइंट जो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, बोलते हैं एसी फ्रिज वाशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए कोई अच्छा टेक्नीशियन बताइए। तो आप हमें अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस हमें कमेंट में डाल देंगे, जिससे आपके एरिया से, आपके लोकेशन का, आपके एरिया से कोई भी कस्टमर कमेंट करेंगे हमसे पूछेगा तो हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे उसको, जिससे आपका ऑनलाइन कुछ एक्स्ट्रा काम मिल सकता रहेगा, एक्स्ट्रा बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा, आपके हेल्प रहेगा बिजनेस के लिए, आपका काम जो है ग्रो हो जाएगा, ऑनलाइन भी आपको कस्टमर हम यहाँ से दिला सकते हैं। तो फीडबैक में जो हमारा कमेंट में आप जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस जरूर दे दीजिएगा। अभी नए लोग का हेल्प जरूर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, जो लोग एसी टेक्नीशियन या ये सब के बारे में जानना चाहते हैं, रिपेयर करने के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करें, वो लोग भी सीख सके, दे सके। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।